हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। आप लोग देख सकते हो हमने एक नया बार क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास ईट्स लोगो है, देन हमारे पास कुछ नए आइटम्स हैं जैसे होम, फूड, ऑफर्स एंड रिव्यू, और इन सभी पर हमने फंक्शनलिटी अप्लाई की है। देन हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का आइकन है। देन हमने मेन पेज क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और एक PNG इमेज का यूज़ किया है। देन हम जैसे ही इस फूड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास फूड सेक्शन आ चुका है, हमारे फूड कार्ड आ चुके हैं और इन सभी पर हमने होवर इफेक्ट अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हो। देन इस कार्ड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको स्पेसिफिक उसकी डिटेल मिल रही होंगी, इमेज मिल रही होंगी, तो आप लोग देख सकते हो हमने इस कार्ड पर क्लिक किया और उसकी हमें इमेज और उस फूड की डिटेल मिल रही है। देन हमारे पास ये क्रॉस बटन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये फंक्शनलिटी हमने सभी पर अप्लाई की है, देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, शो करने के बाद हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमने फंक्शनलिटी सभी कार्ड्स पर अप्लाई की है। देन हमारे पास है ऑफर्स सेक्शन जिसमें आप लोग देख सकते हो 30% ऑफ हमने कार्ड्स क्रिएट किए हैं। देन हमने रिव्यू सेक्शन क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो हमने एक स्मूथ स्लाइडर क्रिएट किया है जिसमें हमने रिव्यू सेक्शन दिखा रहे कस्टमर का। देन हमने लास्ट में एक सिंपल फूटर क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। देन जैसे हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम होम पर आ जाएंगे, पूरा पेज रिफ्रेश हो गया। देन हमने यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है, तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इसको चेकआउट करेंगे। तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल में हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। देन हम इसकी साइज़ को देखिए बड़ी कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेंगी टैबलेट में। और इसकी साइज़ को हम देखिए जैसे जैसे छोटी करेंगे उसके हिसाब से सभी चीज़ें एडजस्ट होंगी। देखिए हम इसकी साइज़ को छोटा कर रहे हैं, तो देखिए सभी चीज़ें सेंटर में आ चुकी है, जो टेक्स्ट है, इमेज है, ये साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए इमेज भी हमारी यहाँ पर छोटी हो रही है साइज़ के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट की है। तो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर यार आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यार हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो चलते हैं हम VS Code पर और स्टार्ट करते हैं वेबसाइट बनाना। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं HTML फाइल पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले HTML देंगे हमारी फूड वेबसाइट की। तो एक डिव ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी कंटेनर। देन सबसे पहले हम एक नया बार क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए एक नया टैग ले रहे हैं, और इस नया बार के अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो लोगो है हमारे पास, तो एक डिव लेंगे जिसकी क्लास होगी लोगो, और उस लोगो के अंदर H1 में हम लिखेंगे ईट्स। तो ये हमारा बेसिकली लोगो क्रिएट कर रहे हैं, ओके। देन हम UL टैग ले रहे हैं, और इस UL के अंदर एक LI टैग होगा लिस्ट आइटम, और एक एंकर टैग होगा, और इसे हम कॉपी कर लेंगे, 4 times पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पर होगा होम, देन फूड, देन हम यहाँ लिख देंगे ऑफर्स, और यहाँ पर आएगा हमारे पास रिव्यूज़, ओके इस तरीके से। तो ये हमने पूरा सेक्शन क्रिएट कर लिया है। देन इस UL के बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम एक आइकन का यूज़ करने वाले हैं बेसिकली, और वो आइकन है हमारे पास ऐड टू कार्ट। तो देखिए हम यहाँ पर बेसिकली फॉन्ट ऑसम पर आ चुके हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अगर यार आप लोगों को पता नहीं कि फॉन्ट आइकन को किस तरीके से यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐड कार्ट, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि आपको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो ऐड कार्ट। तो देखिए हमारे पास आ चुका है ऐड कार्ट ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। देन इस नेओ के बाहर आ जाएंगे क्योंकि इसके HTML हमने दे दिए। देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन, और इसके अंदर हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी हम क्लास दे देंगे मेन टेक्स्ट, ओके। इसके अंदर H1 होगा, और एक P टैग होगा जिसमें हमारे पास डमी टेक्स्ट है। देन एक बटन है जिसमें हमारे पास लिखा है मोर, ओके। देन इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे, इससे क्या होगी लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये हमें नेक्स्ट लाइन से शो होगा। देन हमारे पास ये डमी टेक्स्ट है,
इसे भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम br टैग लगा रहे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और हमें नेक्स्ट लाइन से ये शो हो। ओके, इस तरीके से देन इस ड्यू से बाहर आ जाएंगे मेन टेक्स्ट वाले से और एक इमेज टैग का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे मेन डॉट png। तो ये हमारे पास मेन हमारी इमेज है। देन इस ड्यू से अब हम बाहर आ जाएंगे पूरे मेन ड्यू से और एक ड्यू लेंगे जिसकी हम आईडी दे देंगे फूड। ओके, और एक ड्यू लेंगे जिसकी हम यहाँ पर क्लास दे देंगे हेड। तो बेसिकली हमको हेडिंग दिखाना है ऊपर, तो वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो H1 में हम लिखेंगे आवर फूड्स इस तरीके से। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू लेंगे जिसमें हम लिखेंगे फूड्स। तो हम यहाँ पर ये क्लास दे रहे हैं फूड्स। इसके अंदर हमारे पास एक और ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी फूड कार्ड इस तरीके से, फूड कार्ड। इसके अंदर हमारे पास एक इमेज टैग होगा। देन हमारे पास पी टैग्स होंगे, पेस्ट कर देंगे। इस पर लिखाऊंगा ईट डिलीशियस इस तरीके से। और यहाँ पर हम लिख देंगे लॉरेम का डमी टेक्स्ट इस तरीके से। और इस पूरे ड्यू को हम कॉपी कर लेंगे और हम इसको पेस्ट कर देंगे 6 times, पेस्ट 4, 5, 6 इस तरीके से। देन हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इमेज इसके अंदर एंटर करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इमेज जो हमने इसके दी है वो दी है FDS1। हमने शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली इमेज को सेव किया है ताकि हमें दिक्कत ना हो। देन FDS3 और यहाँ लिखेंगे हम FDS4, यहाँ लिखेंगे FDS5 DS6 और यहाँ दे देंगे हम FD4 इस तरीके से हमने यहाँ पर दे दिए। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे हम इस नीचे वाले ड्यू के। देन अब हमें क्या करना है, एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास अब आईडी देंगे हम ऑफर। ओके, ऑफर। इसके अंदर हम एक ड्यू लेंगे जिसके अंदर होंगी क्लास हेड। इसके अंदर हमको H1 में लिखना है ऑफर्स। देन एक ड्यू लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे यहाँ पर ऑफर। ठीक है, ऊपर हमने आईडी ऑफर दी है क्लास, यहाँ पर क्लास है ऑफर। ओके, तो ये डिफरेंस है। और इसके अंदर हम ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे हम ऑफर कार्ड। इसके अंदर इमेज होंगे, इमेज टैग और पी टैग्स हो गए हमारे पास। इसमें हम लिखेंगे 30% ऑफ और पी टैग में लिखेंगे ईट डिलीशियस। ओके, और ऑफर कार्ड को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे 2 times क्योंकि हम 2 ही बना रहे बेसिकली। और इसमें हम यूज़ कर लेंगे 3 और FDS4 को। ओके, 3-4 इमेज का यूज़ कर रहे हैं। और इस ड्यू से हम बाहर आ जाएंगे और ड्यू लेंगे जिसकी अब हम क्लास दे देंगे रिव्यू इस तरीके से। रिव्यू हमने क्लास दे दी। देन इसके अंदर हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड। H1 में हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कस्टमर रिव्यू इस तरीके से। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएगी और एक ड्यू लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्लास दी, हम इसको आईडी दे देंगे। ओके, और यहाँ पर हम दे देंगे रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी हमारे पास क्लास होगी रिव्यू कार्ड। और रिव्यू कार्ड के अंदर भी हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी हम क्लास दे देंगे कार्ड।
ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक इमेज टैग होगा और एक पी टैग में हम डमी टैग्स लिखेंगे इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, इस रिव्यू कार्ड को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, 3 times पेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम इमेज को इंटर कर देंगे, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं review1.jpg, review2, then review3.jpg। इस तरीके से हमने 3 images क्रिएट की है और इसे हमने इंटर कर दिया है। देन हम ड्यू के बाहर आ जाएंगे इस, और इस ड्यू के बाहर आने के बाद हम एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी फूटर, और एक और ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी टेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास H2 होगा, ठीक है। H2 इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो अपर हेडिंग हो वो हेडिंग दिखे हम बेसिकली, और बाकी पी का यूज़ कर रहे हैं, पी टैग का, जो कि स्मॉल होगा, ठीक है। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे 4 times, और इस पूरे टेक्स्ट ड्यू को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे 4 times, ओके, इस तरीके से। देन हम इसके अंदर पूरा टेक्स्ट इंटर करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा टेक्स्ट इंटर करने वाले। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को अभी स्किप कर देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हम यहाँ पर पूरा टेक्स्ट इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर पूरा टेक्स्ट इंटर कर दिया है। अब हम इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे ताकि हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो वेबसाइट है रन हो चुकी है और अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसके ऊपर HTML अप्लाई करी है, तो हमें इसको डिज़ाइन देना है। देन तो हम CSS फाइल पर चलते हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने मार्जिन पैडिंग 0 दी है, देन बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, और एक फॉन्ट फैमिली रोबोटिका यूज़ किया है, ठीक है। देन हम सबसे पहले नेओ को टारगेट करेंगे और उसे दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस अराउंड कर रहे हैं ताकि उसको लेफ्ट राइट मिडिल से स्पेस मिले। देन पोजीशन दे देंगे इसको हम फिक्स्ड, ताकि ये फिक्स्ड पोजीशन रहे, मीन्स कि जब हम स्क्रॉल करें तो जो हमारा नेव बार है वो फिक्स्ड रहे, हम ये चाहते हैं। तो इसे हम दे देंगे टॉप से 0%, और दे देंगे विड्थ दे देंगे इसकी 100%, और हाइट दे देंगे हम कुछ 80 pixels, ओके। बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, और कलर दे देंगे ब्लैक, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास नेओ के अंदर हमारे पास है लोगो, जो हमने लोगो क्लास दी थी, तो उसको हम दे देंगे फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 22 pixels का। और यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वर्टिकली ये सेंटर में आ जाएगी सभी चीज़ें। देन हमारे पास इसके अंदर है UL, उसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि वो भी एक लाइन में दिखे। देन हमारे पास UL के अंदर LI है, उसे हम दे देंगे लिस्ट स्टाइल नन, तो बेसिकली जो डॉट होता है वो डॉट इससे हट जाएगा। देन हम UL के अंदर LI है, उसके अंदर एंकर टैग है, उसे हम दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इससे जो बॉर्डर होती है बॉटम में वो नन हो जाती है। कंट्रोल एस सेव करेंगे और आउटपुट पर देखेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ आई थिंक CSS फाइल को ऐड नहीं किया है, हो सकता है। तो यस, हमने CSS फाइल को ऐड ही नहीं किया, तो यहाँ पर हम लिंक टैग का यूज़ कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे food.css, सेव करेंगे। अब आउटपुट पर जाएंगे तो देखिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हो चुका है सिल्वर, ठीक है। देन CSS फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हमें एंकर टैग में लिखना है मार्जिन इन लाइन, मीन्स उन सभी के बीच में कुछ मार्जिन आ जाए 22 pixels के, और इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाए, फॉन्ट साइज हो जाए इसकी 22 pixels। देन हमारे पास आई है, बेसिकली एक नेव के अंदर आई टैग है, उसकी हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे
22 पिक्सल, और उसका कलर दे देंगे हम, कलर दे देंगे हम येल्लो, येल्लो इस तरीके से। और इस येल्लो कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ पर। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे तो देखिए आ चुका है परफेक्टली। और इसकी जो साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं 27 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नेवबार क्रिएट हो चुका है। देन हमें मेन पेज को क्रिएट करना है, तो हमारे पास है मेन, जिसको दे देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। मार्जिन टॉप से दे देंगे इसे हम 144 पिक्सल इस तरीके से। और हमारे पास मेन टेक्स्ट है, तो मेन टेक्स्ट को हम दे देंगे 44 पिक्सल मार्जिन टॉप से। सेव करेंगे और देखते हैं आउटपुट पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन हमारे पास मेन के अंदर H1 है, तो उसकी फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 66 पिक्सल। और उसी तरीके से मेन के अंदर पी टैग है, उसे हम दे देंगे मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल। और मेन के अंदर हमारे पास बटन है, उसे दे देंगे मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल। और विड्थ दे देंगे हम कुछ 140 पिक्सल। और हाइट दे देंगे 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम येल्लो, तो जो हमने येल्लो कलर दिया है कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हटा देंगे। कलर हो जाएगा वाइट। फॉन्ट साइज़ दे देंगे 22 पिक्सल। और बॉर्डर हो जाएगा नन इस तरीके से। देन देखते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है और ये कम्प्लीटली आ चुका है। देन हमारे पास फूड सेक्शन है, तो हमने एक हेड क्लास दी थी आपको याद होगा, तो उसे हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। पैडिंग दे देंगे 66 पिक्सल, और इसको हम दे देंगे पैडिंग 66 तो नहीं, हम इसकी पैडिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे, सिर्फ ओनली पैडिंग ही दे देंगे इस तरीके से। देन हमारे पास फूड क्लास है, तो उसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन हमारे पास फूड कार्ड है, तो उस फूड कार्ड की हम विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे हम बेसिकली हाइट अभी नहीं देंगे, इसे हम पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 11 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सभी चीज़ें सेंटर में आ जाए। देन हमारे पास फूड कार्ड के अंदर इमेज है, ठीक है। फूड कार्ड के अंदर एक इमेज टैग है, तो उस इमेज की हम विड्थ दे देंगे कुछ 120 पिक्सल। हाइट दे देंगे 120 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम यहाँ पर 50%। इससे हमें सर्कल के फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है हमें सब कुछ, है ना, इस तरीके से। इसकी दे देंगे 30। और हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स फूड किया है, बट आई थिंक वो फूड्स क्लास है। देखिए फूड्स है, इसकी क्लास क्या है, फूड्स। तो हमें यहाँ पर एस ऐड करना पड़ेगा, एस कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को, फ्लेक्स रैप, तो ऑटोमेटिकली रैप कर देगी। आप लोग देख सकते हो रैप हो गए साइज़ के हिसाब से। देन हम चाहते हैं इनके बीच में मार्जिन इन लाइन, तो सबसे पहले मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल मार्जिन इन लाइन दे देंगे 22 पिक्सल इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो आ चुका है, ठीक है। देन अब हम इसके ऊपर एक होवर इफेक्ट लगा देंगे, मींस कि जो फूड कार्ड है इस पर जैसे ही हम करें होवर, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए येल्लो। इस येल्लो को हम कर देंगे डार्क, ओके। और कलर हो जाए वाइट, देखिए कुछ इस तरीके से परफेक्टली काम कर रहे हैं।
और कर्सर दे देंगे, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब ये जो हम उसके ऊपर फंक्शनलिटी लगाने वाले वो हम नेक्स्ट जेएस फाइल में लगाएंगे। देन अब हम जो ऑफ़र वाला सेक्शन है उसे क्रिएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे ऑफर, ऑफ़र डिस्प्ले फ्लैग दे देंगे ताकि एक लाइन में दिखे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास ऑफ़र कार्ड है, इस ऑफ़र कार्ड की विड्थ हो जाएगी ऑलमोस्ट, हम यहाँ पर इसकी विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल, या आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं 350 सॉरी। देन यहाँ पर हमारे पास मार्जिन इनलाइन हो जाएगा, मार्जिन इनलाइन दे देंगे 22 पिक्सल का, मीन्स उसके बीच में गैप दिखे कुछ। और हमारे पास ऑफ़र कार्ड है, ऑफ़र कार्ड के जो अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे हम 100%, ठीक है। देखते हैं आउटपुट पर, तो देखिए जिस तरीके से दिख रहा है। और इसकी हमें इसके साथ साथ हाइट भी देनी होगी, तो हाइट दे देंगे 250 पिक्सल, देखिए कुछ इस तरीके से। और टेक्स्ट अलाइन दे देंगे सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। देन हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, और हमारे पास ऑफ़र कार्ड है उसके अंदर जो पी है उसकी पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ दे देंगे 20 पिक्सल में। देन आप देख सकते हो परफेक्टली आ चुका है। देन इसकी जो पैडिंग है हम डिक्रीज़ कर देंगे, देखिए तो परफेक्टली हमारे पास ऑफ़र कार्ड क्रिएट हो चुके हैं। देन हमें कस्टमर रिव्यू जो सेक्शन है वो क्रिएट करना है, तो देखिए हमारे पास है रिव्यू, तो रिव्यू को हम यहाँ पर विड्थ दे देंगे कुछ 600 पिक्सल, देन हाइट दे देंगे 300 पिक्सल, पोजीशन दे देंगे हम यहाँ पर उसे पोजीशन रिलेटिव, और मार्जिन ऑटो दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पर चाहे तो ओवरफ्लो हिडन भी दे देंगे, ओवरफ्लो हिडन। देन रिव्यू है हमारे पास, देन रिव्यू के अंदर हमारे पास है रिव्यू कार्ड, रिव्यू कार्ड की जो विड्थ होगी वो दे देंगे हम 100%, और जो हाइट होगी वो भी 100%, ठीक है। देन हम यहाँ पर इसे दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इन सभी चीज़ें सेंटर में दिखे हमें, और पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगी, मार्जिन ऑटो दे देंगे, ऑटो ओवरफ्लो हिडन, हिडन इस तरीके से। और हमारे पास रिव्यू कार्ड है, रिव्यू कार्ड के अंदर हमारे पास कार्ड होगा जिसकी विड्थ हम दे देंगे 500 पिक्सल, पैडिंग हो जाएगा 22 पिक्सल का, पैडिंग कुछ इस तरीके से। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देन हमारे पास कार्ड के अंदर जो इमेज होगी उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 200 पिक्सल विड्थ, और हाइट होगी 200 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हो जाएगी 50%। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर विड्थ दे दी हमने, हाइट दे दी, देन पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है, और आई थिंक हम इसकी जो क्लास है वो चेक कर लेते हैं, क्लास परफेक्ट होना चाहिए। तो रिव्यू कार्ड जो उसकी क्लास है वो बिल्कुल सही है। देन ये जो है ना रिव्यूज़ के हैं, हमने ओनली रिव्यू लिखा है, तो हमें सभी जगह यहाँ रिव्यूज़ करना है, और यहाँ पर भी रिव्यूज़ करना है। सेव किया, और आप लोग देख सकते हो परफेक्टली हमें दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ओवरफ्लो हम इसका यहाँ से हिडन कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो CSS इसकी अप्लाई कर दिए, देन हम यहाँ पर इसकी जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई कर देंगे कि हम स्मूथ तरीके से स्लाइड करा सकें। हम यहाँ पर इसको एक और एक CSS दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि एक लाइन में दिखे, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट
सेंटर इस तरीके से आउटपुट पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है। ओके, देन हम JS फाइल पर चले जाएंगे और हम यहाँ पर एक लेट रिव्यू कार्ड एक वेरिएबल बना लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करने वाले हैं और जो हमारे पास रिव्यू कार्ड है इसको हम टारगेट कर रहे हैं, मीन्स जितनी भी रिव्यू कार्ड क्लास है उन सभी को हम टारगेट कर रहे हैं। और एक लेट काउंट वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर असाइन कर देंगे 0। देन इस रिव्यू कार्ड के ऊपर हम एक फॉर ईच लूप लगा लेंगे और फॉर ईच लूप के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें हम लिखेंगे कार्ड और इंडेक्स। ओके, दो पैरामीटर है। देन अब जो रिव्यू कार्ड के पास पावर था वो कार्ड के पास आ चुका है और हम यहाँ पर बोल रहे होंगे कार्ड डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट में हम असाइन कर देंगे यहाँ पर बैकटिक का यूज़ कर रहे हैं। देन हम बोलेंगे डॉलर करली ब्रेसेस, देन हम यहाँ पर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। ओके, देन हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन होगा माय फन नेम से एक फंक्शन होगा इस तरीके से और इस रिव्यू कार्ड के ऊपर हम फिर से फॉर ईच लूप लगाएंगे और इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है, और इस कॉल बैक फंक्शन में हम लिखेंगे CRD या फिर करंट कार्ड लिख देते हैं, करंट कार्ड इस तरीके से। देन करंट कार्ड पर हम लगा देंगे एक स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, देन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर हम असाइन देन एक बैकटिक यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। ये बेसिकली एक CSS की प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी चीज़ को रोटेट करा सकते हो, स्लाइड करा सकते हो। देन यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से पैरेंथेसिस माइनस डॉलर करली ब्रेसिस, इसमें हम बोलेंगे जो हम काउंट है काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पर हम सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑटोमेटिक स्लाइडर दिखाना है तो हम सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेट टाइम आउट क्या होता है ये रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते रहता है। हम इसके अंदर दे देंगे जैसे 3000 मिली सेकेंड मीन्स 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड बाद जो भी हम इसको टास्क देंगे ये जैसे 3 सेकेंड हुए ये उसे टास्क को परफॉर्म करेगा, फिर जैसे 3 सेकेंड हुए वो टास्क को परफॉर्म करेगा, तो ये रिपीटेटिव टास्क करता ही जाता है, ये रुकता नहीं है। ओके, देन हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो माई फंक्शन है इसको कॉल कर देंगे तो ये चलेगा, बट एक बार ये चलेगा फिर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि देखिए काउंट की वैल्यू बढ़ेगी फिर वो एक टाइम के बाद आके रुक जाएगा क्योंकि काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और ये जो लेंथ है उसकी लेंथ छोटी पड़ जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि जो काउंट है काउंट जैसे ही फंक्शन कॉल है तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो, प्लस प्लस हो, मतलब काउंट के अंदर प्लस होना, क्योंकि देखिए अभी काउंट के अंदर क्या है 0, अब 0 से मल्टीप्लाई होगा 100 तो वो तो वहीं रहेगा, बट जैसे ही एक बार कॉल हुआ फिर दूसरी बार जब कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू के अंदर हम प्लस 1 कर रहे हैं मतलब 1 चले जाएगा और 1 क्या हो जाएगा बेसिकली काउंट मीन्स 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 100% से तो 100% वो स्लाइड होगा, इसी तरीके से 1 बढ़ता रहेगा। और हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी लगा देंगे, इफ़ काउंट अगर इक्वल हो जाता है काउंट रिव्यू कार्ड की लेंथ से, जो हमारी रिव्यू कार्ड की लेंथ है मतलब हमने कितनी स्लाइड बनाई है उससे अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे काउंट के अंदर असाइन कर दो 0 जिससे वो फिर से स्लाइड स्टार्ट हो सके। ओके, हम ये बोल रहे हैं तो देखिए अभी रिफ्रेश हो रहा है और आप लोग देख सकते हो अभी हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि रिव्यू जो कार्ड है हमारी जो रिव्यू कार्ड क्लास वो तो सही है, बिल्कुल सही है। देन हमारे पास food.css है जिसके अंदर हमने यहाँ लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स और हम यहाँ क्या करेंगे रिव्यू कार्ड के अंदर भी यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और टेक्स्ट अलाइन तो हमने सेंटर लिखा ही है। ओके, सेव करते हैं,
देखिए कुछ तरीके से हमारे पास आ चुका है और हम देखेंगे क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये पूरी अच्छी तरीके से स्लाइड हो रहा है, बट ये बहुत सारे दिख रहे हैं। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन अप्लाई कर दिया है देन, और ये देखिए ये स्मूथ तरीके से स्लाइड भी हो रहे हैं। हमने यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल, ये देखिए ट्रांजिशन ऑल लगाया है जिससे ये स्मूथ तरीके से स्लाइड कर रहा है और देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, और अब हमें क्या करना है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर भी दिखे तो वो लगाना है। बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे उसका हम कुछ 11 पिक्सल, इस तरीके से सेव करेंगे। और देखिए आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पर हम अलाइन आइटम भी सेंटर कर देंगे ताकि वो वर्टिकली भी सेंटर में हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से, तो परफेक्टली वर्क कर रहा है ये और स्मूथ तरीके से स्लाइड भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। देन अब हमें फूटर क्रिएट करना है, तो अब यहाँ पर हम फूटर लेंगे और डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे देंगे, पैडिंग दे देंगे 66 पिक्सल, और हम यहाँ पर दे देंगे मार्जिन टॉप से 66 पिक्सल। ओके, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होने वाला है, कलर हो जाएगा वाइट, मींस जो टेक्स्ट का कलर होगा वाइट होगा। देन हमारे पास एक उसके अंदर टेक्स्ट क्लास है और पी टैग है, तो उन सभी पी टैग को मैं मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल बोल रहा हूँ। तो देखिए सभी 22 पिक्सल नीचे आ चुकी है, तो परफेक्टली हमारा फूटर क्रिएट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। देन ऑफर्स, ये हमारा फूड कार्ड जिसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट भी अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हो। तो देन अब हमें इसे फंक्शनलिटी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जब हम फूड पर क्लिक करें तो हमें फूड सेक्शन मिल रहा हो, तो बहुत ही सिंपल है, आपको HTML पर जाना है। देन हमारे पास ये जो हमने UL के अंदर एंकर टैग के अंदर लिखा था, यहाँ पे हमें इस HREF के अंदर जो हमने बेसिकली ID दी थी वो लिखना है। तो हमने ID दी थी फूड, फूड को इसी तरीके से हमने ऑफ़र दिया था, ऑफ़र देन हैश रिव्यू, इस तरीके से सेव करेंगे और आउटपुट पर जाएंगे। और इस फूड पर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, देखिए हमारे पास फूड सेक्शन आ रहा है, ऑफ़र पर हम क्लिक कर रहे हैं हमारे पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, देन रिव्यू पर हम क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कस्टमर रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। देन अब हम क्या चाहते हैं कि यार जैसे मैं इस कार्ड पर क्लिक करूँ तो इसकी मुझे कंप्लीट डिटेल दिखे। ओके, तो ये मैं चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर सभी को क्या दी है, फूड कार्ड, एक हमने बेसिकली इनको ID दी है, क्लास दी है फूड कार्ड, सॉरी क्लास है, क्लास है आई थिंक, जी क्लास है फूड कार्ड। तो यहाँ पर हम इसको क्यूरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से इस फूड कार्ड को हम टारगेट कर लेंगे, तो यहाँ दे देंगे हम फूड कार्ड इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे और हम यहाँ पर जो फूड कार्ड है उसके ऊपर हम यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, और फॉर ईच लूप के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम दे देंगे कार्ड्स। अब जो कार्ड्स है, इस कार्ड्स कार्ड्स है, तो इस कार्ड्स के ऊपर हम ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, मींस कि हम जैसे ही क्लिक करें तो एक फंक्शन चले, और उस फंक्शन में हमें क्या मिल रहा हो, जो हमने कार्ड पर क्लिक किया है वही कार्ड मिल रहा हो हमको। ओके, पहला तो हम ये चाहते हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और आउटपुट पर जाएंगे, सॉरी इंस्पेक्ट पर जाएंगे। देन यहाँ पर हम इंस्पेक्ट में कंसोल पर आ चुके हैं, तो हम कंसोल पर चले जाते हैं, वेयर इज कंसोल, सो हम कंसोल पर आ जाएंगे, ये कंसोल पर आ चुके हैं। देखिए मैं इस कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास पिज़्ज़ा की इमेज है। ओके, तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास पूरा ड्यू आ चुका है, और इसके अंदर देखिए ये पिज़्ज़ा की इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है, ठीक है। अब मैं इस पर मोमोज़ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास आ चुका है, ये सेम इमेज है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल मैच कर सकते हो। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है कि हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं हमको उसी का डेटा दे रहा है, ये परफेक्टली काम कर रहा है। और अब हम क्या चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करूँ तो वही का वही डेटा मुझे शो हो, तो उसके लिए हम एक लेट वेरिएबल लेंगे ड्यू, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे ड्यू, ठीक है।
और ड्यू के अंदर हम एक क्लास ऐड करेंगे, क्लास लिस्ट ड्यू डॉट क्लास लिस्ट। तो हम ड्यू के अंदर एक क्लास ऐड करने वाले और उस क्लास लिस्ट को हम दे देंगे, आई थिंक क्लास लिस्ट है ड्यू डॉट क्लास नेम होगा, आई थिंक क्लास नेम। तो क्लास नेम दे देंगे हम यहाँ पर कार्ड डिटेल इस तरीके से, और ड्यू के इनर HTML में हम असाइन कर देंगे जो हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें, हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं। हम एक इमेज टैग दिखाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हो, तो हम यहाँ पर पहले HTML यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ी सी ही HTML आएंगी। एक इमेज टैग होगा, इमेज टैग के अंदर एक पी टैग होगा जिसमें हम लिखेंगे ईट बेस्ट, ईट डिलीशियस, यस इस तरीके से। लॉरेम के अंदर हम लिख देंगे 11 पिक्सल इस तरीके से। इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। देन हम क्या चाहते हैं कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये सब चीज़ें दिखे, इमेज दिखे, तो इमेज दिखाने के लिए हम इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस। और देखिए हमारे पास ये कार्ड है, आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये कार्ड आ रहा है, और इसके अंदर इस ड्यू के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा है, इमेज टैग पहला एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ड कार्ड्स डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, मतलब पहले एलिमेंट का चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का सोर्स, हमें सोर्स चाहिए क्योंकि वो इमेज टैग है, तो जो भी उसका सोर्स रहेगा वो इस इमेज टैग के अंदर आ जाएगा और वो हमें शो होगा, ठीक है। और ये हम कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो ये हम दिखाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, हम बॉडी टैग को टारगेट करेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम अपेंड कर देंगे चाइल्ड को, और वो चाइल्ड कौन सा होगा, एक ड्यू चाइल्ड होगा, ओके। तो सेव करते हैं, आउटपुट पर जाते हैं, रिफ्रेश हो रहा है, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक एरर आ रहा है, ड्यू डॉट क्लास नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, क्लास नेम कोई फंक्शन नहीं है। तो आई थिंक यार यहाँ पर कुछ, अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है, अभी क्लास की तो हमें वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब मुझे देखिए सबसे लास्ट में ये इमेज मिल रही है और देखिए टेक्स्ट मिल रहा है ईट डिलीशियस, और ये हमको यहाँ पर उसका डिटेल मिल रही है पूरी इसी तरीके से, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं यार कि इसको हम पहले तो CSS दे देंगे, ब्यूटीफुल बना देंगे, और इसी तरीके से हमें पूरा डेटा, और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर उसको हमें एक सेंटर में दिखे वो, तो हम ये चाहते हैं, तो उसे हमें CSS अप्लाई करना है। कि हमें यहाँ पर एक क्लास देना है, तो हमने यहाँ पर क्लास लिस्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्लास लिस्ट, देन लिखना है आपको डॉट ऐड इस तरीके से। तो हमारे पास हमने कार्ड डिटेल उसको एक क्लास दे दी है, अब हम इसको CSS पर जाएंगे, और ये जो हमारे पास क्लास है कार्ड डिटेल, हमारे पास एक क्लास है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और हम क्या चाहते हैं, तो हम इसको विड्थ दे देंगे कुछ 400 पिक्सल की, ओके। देन पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे, ठीक है। देन हमारे पास कार्ड डिटेल के अंदर हमारे पास एक इमेज टैग है, तो उसकी विड्थ ले लेंगे हम कुछ 200 पिक्सल, देन हाइट ले देंगे 200 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 50%, ओके। देन हम इसको क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस हमने 50% मीन्स राउंड शेप में दिखेगा, देन ये जो कार्ड डिटेल है, अब हम क्या चाहते हैं यार ये कि जैसे हमने क्लिक किया तो वो हमें सेंटर में दिखे, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको पोजीशन दे देंगे फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड दे देंगे, लेफ्ट से दे देंगे 50%, राइट से दे देंगे 50%, और यहाँ पर हम टॉप से दे देंगे इसको 5%, मतलब टॉप से 5% हमें नीचे दिखे। देन आपको यहाँ पर लिखना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस 50% इस तरीके से,
देन 40%। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जब आप साइज़ को छोटी करेंगे, ठीक है, तो ये सेंटर में ही उस हिसाब से आते जाएगा, है ना। तो हम सेव करते हैं, और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे लाइट ब्लू। ओके, तो देखिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली हमें आ रहा है, देखिए। और बाकायदा बिल्कुल इमेजेस भी चेंज हो रही है, डिटेल हमें पूरी चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं यार कि इसकी जो साइज़ है थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरीके से। और हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर एक बटन भी आ जाए क्रॉस का, तो हम यहाँ से फॉन्ट आइकन से एक बटन ले लेंगे, एक्स मार्क लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्स मार्क बटन आ चुका है। देखिए हमको वहाँ पर कॉपी कर लेना है इसको, और हमें यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस इमेज के ऊपर। सेव करेंगे और यहाँ पर CSS पर आएंगे, और हम बोलेंगे कि हमारे पास एक कार्ड डिटेल क्लास है। कार्ड डिटेल क्लास के अंदर जो आई है, ठीक है, उसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है वहाँ जाए। और लेफ्ट से हम दे देंगे 0 पिक्सल, टॉप से दे देंगे हम 0 पिक्सल, और पैडिंग दे देंगे कुछ 11 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 22 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो दे देंगे हम बैकग्राउंड कलर येल्लो, और इस येल्लो को हम कर लेंगे थोड़ा सा डार्क, ठीक है। सेव करेंगे, और देखिए जैसे मैंने इस कार्ड पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास इस तरीके से आ चुका है, और बटन भी आ रहा है हमारे पास। और इसकी जो साइज़ है यार, जो इमेज की साइज़ है, काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, तो हम इंक्रीज़ कर देते हैं 180 इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो कम्प्लीटली हमारे पास ये आ चुका है। और देखिए हम इमेज पर क्लिक कर रहे तो इमेजेस चेंज भी हो रही है। देन हम चाहते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो हमारा पूरा ये है ये रिमूव हो जाए, ये डिटेल जो हमें दिख रही है शो ना हो अब, ठीक है। तो इस पर क्लिक होने से ये कार्ड रिमूव हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, देन हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करना है। आईडी के अंदर आपको क्या लिखना है, तो ये जो हम इसको आइकन है, इसको हम आइकन को आईडी दे देंगे, आईडी दे देंगे हम आइकन को, आइकन मैं आइकन्स आईडी दे दे रहा हूँ इस एक्स मार्क आइकन को। तो हम यहाँ पर आईडी की लिख देंगे आइकन्स, और इस पर लगा देंगे एड इवेंट लिसनर, कि जैसे हम इस आइकन पर करें क्लिक तो एक फंक्शन चले। ओके, तो जैसे हम करें क्लिक तो एक फंक्शन चले, और उसमें क्या हो कि जो ड्यू हमें शो हो रहा है, जो ड्यू हमें शो हो रहा है वो रिमूव हो जाए, तो हमारे पास एक रिमूव एक मेथड होती है जिससे वो रिमूव हो जाएगा, तो जो ड्यू शो होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिफ्रेश हो चुका है जैसे हमने इस कार्ड पर क्लिक किया, और देखिए अब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए रिमूव हो चुका है ना। इस पर मैंने क्लिक किया, अब हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप क्लोज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पूरी फंक्शनलिटी है प्रॉपरली काम कर रही है, आप लोग देख सकते हो सभी हमें यहाँ पर सभी कार्ड्स पर ये फंक्शनलिटी अप्लाई हो रही है, आप लोग देख सकते हो। तो हमने ये फंक्शनलिटी भी अप्लाई कर ली, देन हम CSS पर जाएंगे और इसे कर्सर पॉइंटर दे देंगे, ताकि ये और यूज़र पर्सपेक्टिव से बेटर दिखे। तो देखिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, क्लोज़ हो रहा है, तो परफेक्टली ये फंक्शनलिटी भी हमने अप्लाई कर ली। देन हम देख सकते हो कि आपके पास एक स्मूथ स्लाइडर है। देन अब हम हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो हम इंस्पेक्ट करेंगे, देन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ तक चीज़ें रिस्पॉन्सिव है, क्या चीज़ें नहीं रिस्पॉन्सिव है हमें उन्हें रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारे कार्ड से वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो इन्हें हम दे देंगे फ्लैक्स रैप। सबसे पहले आपको फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी ऐड कर देना है, जिससे जब साइज़ छोटी होती है ऑटोमेटिकली साइज़ के हिसाब से कार्ड रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे फ्लैक्स रैप इस तरीके से, सेव कर लेंगे। और हम यहाँ पर एक मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे @ मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स
विड्थ दे देंगे हम कुछ 970 पिक्सल, और 970 पिक्सल के अंदर जैसे है तो हमारे पास जो मेन है, मेन कैसा हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और टेक्स्ट लाइन सेंटर, मींस कि वो एक लाइन में दिखे और हमें सेंटर में दिखे। आप लोग देख सकते हो, देखिए हम इसकी साइज़ बड़ी कर रहे हैं, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जैसे 970 पिक्सल के अंदर आएगा तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, परफेक्टली है। देन अब हम इसे देखेंगे कि जो हमारा स्लाइडर है ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो ये कहाँ तक रिस्पॉन्सिव है। तो देखिए हम इसकी साइज़ छोटी कर रहे हैं, तो ये 641 यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है, 641 तक के। तो 641 रिस्पॉन्सिव होने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर एक मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो लिख देंगे 650। तो जैसे हम 650 पिक्सल के अंदर आए तो हमारे पास रिव्यू है, रिव्यूज़ है, तो रिव्यूज़ की जो विड्थ होगी उसको हम कर देंगे 90%। सेव करते हैं, तो ये क्लास अप्लाई हो रही है, देखिए इसकी साइज़ हम छोटी कर रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल साइज़ के हिसाब से ये अप्लाई हो रहा है परफेक्ट तरीके से, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है हमारा, और ये हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया है। देन हमें बाकी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो देखिए अब हम क्या चाहते हैं कि देखिए जैसे यार 640 650 पिक्सल के अंदर हम आए तो क्या हो, 650 पिक्सल के अंदर तो मेन के अंदर हमारे पास जो H1 है उसकी फॉन्ट साइज़ कम हो जाए, फॉन्ट साइज़ हो जाए 34 पिक्सल। देन मेन के अंदर जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो भी 90% हो जाए, मीन्स 10% कम हो जाए, और जो UL है UL डिस्प्ले नन हो जाए इस तरीके से। देखिए तो जैसे हम यहाँ पर 650 पिक्सल के अंदर आएंगे, साइज़ छोटी करते हैं अपन, तो देखिए साइज़ छोटी हो चुकी है, यहाँ से हमारे पास नए आइटम्स जा चुके हैं, और देखिए जो हमारे पास इसकी विड्थ है इमेज की वो साइज़ के हिसाब से आ गई है, आप लोग देख सकते हैं साइज़ के हिसाब से छोटी हो रही है। तो देखिए ये हमारे कार्ड रिस्पॉन्सिव है, ये हमारे पास कार्ड रिस्पॉन्सिव है, देन ये जो हमारा स्मूथ स्लाइडर है ये रिस्पॉन्सिव है, देन हमें जो फूटर है इसे भी रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फूटर पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना है, फ्लैक्स रैप इस तरीके से, सेव करेंगे, इस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्सिव आ चुका है। देन देखिए जैसे हम इस पर इस इमेज पर क्लिक कर रहे हैं, कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल मिल रही है, बट ये यहाँ पर यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है, इसके आगे रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इसके लिए आपको एक मीडिया क्यूरी का यूज़ करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखेंगे 500 पिक्सल। तो जैसे हम 500 पिक्सल के अंदर आए, तो 500 पिक्सल के अंदर हम जैसे ही आए तो क्या हो बेसिकली कि जो हमारे पास डिटेल कार्ड है, कार्ड डिटेल क्लास है, उसकी जो विड्थ है वो 80% हो जाए, 80% विड्थ हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम 500 पिक्सल के अंदर आएंगे तो देखिए उसकी जो विड्थ है वो 80% हो गई, मींस 20% कम हो गई। तो देखिए हम इसकी साइज़ को कितना भी छोटा कर दें वो छोटी हो गई, देखिए साइज़ के हिसाब से ही छोटा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट कर ली है, जो कि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। हम इसको मोबाइल में भी देखने वाले हैं, मोबाइल व्यू में आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, और आप यहाँ से इसकी कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हो फूड्स की, आप लोग देख सकते हो। देन आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हो। देन हमारे पास एक स्मूथ स्लाइडर है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। देन लास्ट में हमारे पास है फूटर। तो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट क्रिएट कर ली है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार विज़िट करें, क्योंकि हमने बहुत सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे जिम वेबसाइट,
ई कॉमर्स वेबसाइट, देन पोर्टफोलियो वेबसाइट, हॉस्पिटल वेबसाइट, इसी तरीके से हमने API बेस्ड प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, न्यूज़ वेबसाइट, आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है। जावास्क्रिप्ट का एक कम्प्लीट ट्यूटोरियल है, बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप प्लीज़ एक बार विजिट करें चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।